प्रसन्न रहने का एक ही सिद्धांत है, ना किसी की अपेक्षा ना किसी की उपेक्षा। दुख हमेशा पीछे देखता है, चिंता इधर उधर देखती है, लेकिन विश्वास हमेशा आगे ही देखता है। इंसान सब कुछ भूल जाता है, लेकिन कष्ट देने वाले को कभी नहीं भूलता। वक्त और अपने जब दोनों एक साथ चोट पहुंचाते हैं, तो इंसान बाहर से ही नहीं अंदर से भी टूट जाता है। आपकी बचकानी हरकतें ही आपको जिंदा दिल रखती हैं, वरना समझदारी का दूसरा नाम ही बुढ़ापा है। अब डर सा लगता है उन लोगों से जो कहते हैं कि मेरा यकीन तो करो, मैं तेरे साथ हूँ। शांत होकर देखिए, आपको आपकी सारी समस्याओं का हल मिलेगा। जिंदगी बहुत छोटी है, इसीलिए किसी इंसान का पीछा करने से कई गुना बेहतर है कि आप अपने सपनों को पूरा करें। असफलता पर लाखों ताने आएंगे, परंतु निराश मत होना, क्योंकि यही वो समय है जिसमें आप पहचाने जाएंगे। हालात सिखा देते हैं बातें सुनना और सहना, वरना हर शख्स अपने आप में बादशाह होता है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ने लगती है, वैसे ही आपको ये एहसास भी होने लगता है कि आपने अपनी जिंदगी में उन लोगों को व्यर्थ ही महत्व दिया जिनका आपकी जिंदगी में कोई योगदान नहीं है। आपकी आज की मेहनत आपके कल के सपनों की चाबी है। मतलब की बात सब समझते हैं, लेकिन बात का मतलब कोई नहीं समझता। अगर शेर के साथ रहोगे तो वो आपको संघर्ष करना सिखाएगा, लेकिन अगर किसी गधे के साथ रहोगे तो वो आपको हालातों के सामने झुकना सिखाएगा। इसीलिए गधों का नहीं शेरों का संग करना सीखो। इंसान जब बड़ा हो जाता है तो उन लोगों को ही छोटा समझने लगता है जिन लोगों ने मिलकर उसे बुलंदियों पर पहुंचाया है। सही राह पर चलना थोड़ा मुश्किल जरूर है, पर उस रास्ते पर आपको कोई नहीं गिरा सकता। गिरते गिरते बच्चा चलने लगता है, डूबते डूबते ही इंसान तैरने लगता है। चोट से घबराकर कभी पीछे मत हटना, क्योंकि चोट खाकर ही इंसान संभलने लगता है। समय से ज्यादा सिर्फ उन्हीं रिश्तों की कदर करो जिन्होंने समय पर आपका साथ दिया है। क्रोध हमेशा मूर्खता से शुरू होता है और पछतावे पर खत्म होता है। कभी पड़ोसी भी घर का हिस्सा हुआ करते थे, और आज एक ही घर में न जाने कितने पड़ोसी हैं। कदर किरदार की होती है, वरना कद में तो साया भी इंसान से बड़ा होता है। कुछ भी नया करने में संकोच मत करो, ये मत सोचो कि हार हो जाएगी। हार तो कभी नहीं होती, या तो जीत मिलेगी या सीख मिलेगी। उम्मीद मत छोड़ना, कल का दिन आज से बेहतर होगा। सुकून इस दुनिया की सबसे महंगी चीज है, इसीलिए सस्ते लोगों के पीछे इसे कभी मत गवाना। एक ऐसा लक्ष्य निर्धारित करें जो आपको सुबह जल्दी उठने पर मजबूर करे। जिंदगी में उस लेवल तक पहुंच जाओ जहां लोग आपको खोकर पछताएं। जिंदगी बहुत लंबी है और वक्त सिर्फ एक दिन का है, और वो है आज का। हर बहाने को अपनी जेब में डाल लो और सिर्फ इस बात को ध्यान में रखो कि मैं कर सकता हूँ। भले ही आज तकलीफ पड़ी है, पर कल कामयाबी भी आपको बड़ी ही मिलेगी। जो मेहनत करता है वही नाम करता है, वरना हर कोई अपने परिवार के पैसों पर आराम करता है। वक्त के फैसले कभी गलत नहीं होते, बस यही साबित होने में वक्त लगता है। एक साल लगातार फोकस और जी तोड़ मेहनत आपको जिंदगी में दूसरों से 5 साल आगे ले जाएगी। घमंड बता देता है कि पैसा कितना है, संस्कार बता देता है कि परिवार कैसा है, बोली बता देती है इंसान कैसा है, बहस बता देती है कि ज्ञान कैसा है,
नजरें बता देती हैं कि सूरत कैसी है और स्पर्श बता देता है कि नीयत कैसी है। जिंदगी भी कितनी अजीब हो गई है, खुश दिखना खुश रहने से ज्यादा जरूरी हो गया है। ज्यादा सोचना बंद कीजिए और उस दुनिया से बाहर आइए जो हकीकत में है ही नहीं। ईश्वर जिन्हें ऊंचाई पर पहुंचाना चाहते हैं उन्हें सबसे ज्यादा तकलीफ देते हैं, ताकि तकलीफ से लड़ते लड़ते वो एक दिन अपनी मंजिल पर पहुंच जाए। कुछ पाना है तो खुद पर भरोसा रखो। सहारे कितने भी सच्चे और अच्छे हों, एक दिन साथ छोड़ ही देते हैं। सफलता की चाबी कभी तैयार नहीं मिलती, उसके लिए मेहनत का हुनर चाहिए। बाहर की भीड़ से ज्यादा खतरनाक होता है अंदर का अकेलापन। जब सब्र आ जाए तो कुछ भी छिन जाए, आपकी जिंदगी से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। जब प्रॉब्लम्स पे ध्यान लगाओगे तो गोल दिखना बंद हो जाएगा, और जब गोल पर ध्यान लगा लोगे तो प्रॉब्लम्स दिखना बंद हो जाएंगे। उस सुख का त्याग कर देना चाहिए जो किसी और के दुख का कारण बनता हो। सोचो तो आप बिल्कुल अकेले हो, और अगर ठीक से सोचो तो यही सच है। कोई अपनी जिंदगी में बहुत अकेला है और कोई अपनी जिंदगी में अकेला ही काफी है। रिश्ता भले ही कोई भी हो, लेकिन रिश्ता मजबूर नहीं, मजबूत होना चाहिए। मुस्कुराने की आदत तो डालो, मुश्किलों को हराना आसान हो जाएगा। लोग आपको नहीं आपके अच्छे वक्त को अहमियत देते हैं। कौन देता है उम्र भर का सहारा जनाब, लोग तो जनाजे में भी कंधे बदलते हैं। मेहनत इतनी करो कि किस्मत भी आपका साथ देने पर मजबूर हो जाए। बस अपनी आदतों से ही मजबूर है आदमी, वरना सही गलत की समझ तो हर इंसान को है। अपनी भावनाओं पर कंट्रोल करना सीखो, क्योंकि हमारी जिंदगी का अधिकतर दुख हमें भावनाओं में बहने से ही मिलता है। रोना उसी के सामने जो आंसू गिरने का मतलब समझ सके, दुआएं लेना उसी से जो दिल से दे सके, और रिश्ता रखना उसी से जो आपके रिश्ते का मोल समझ सके। मतलब ही इंसान ही अच्छे होते हैं जिन्हें खुद के सिवा किसी से कोई मतलब नहीं होता। और एक हम थे जो दूसरों से मतलब रखते हुए खुद का मतलब ही समझ नहीं पाए। बार बार असफल होने पर भी उत्साह न खोना, यही आपकी सबसे बड़ी सफलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल मिक्स फ्लेवर को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट भी करें। Thank you.